नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार 9 जुलाई को निधन हो गया और आज लखनऊ के पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। साधना लखनऊ में ही मुलायम सिंह के साथ रहती थी। बता दें कि साधना गुप्ता 1 जुलाई से फेफड़े के संक्रमण की वजह से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। निधन के वक्त मुलायम उनके साथ ही थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम को फोन कर सांत्वना दी। तो आज साधना गुप्ता की अंतिम विदाई हो रही है। साधना गुप्ता की अंतिम विदाई की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार अभी कुछ ही देर में होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह के आवास पर लोगों की भीड़ बीती शाम से ही देखने को मिल रही है। पिपरा घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूर दूर से रिश्तेदारों का और शुभचिंतकों का लगातार आना जारी है। लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। जब साधना गुप्ता का निधन हुआ तो मुलायम सिंह उनके साथ ही थे। आपको बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में साधना गुप्ता ने अंतिम सांस ली है। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उनका निधन बताया जा रहा है। शनिवार 9 जुलाई को साधना गुप्ता का निधन हुआ है और आज लखनऊ के पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कुछ ही देर के लिए उनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। और जब से ये खबर सामने आई तभी से शुभचिंतकों का तांता लगना शुरू हो गया। और आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के इस कठिन समय में उनके साथ उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी खड़े रहे। जैसे ही ये खबर सामने आई शिवपाल उनके आवास पहुंचे, साथ ही साथ अखिलेश भी मुलायम सिंह के आवास पहुंचे। हालांकि मुलायम जब ये खबर सामने आई है कि साधना गुप्ता का निधन हो गया तो वो साधना गुप्ता के साथ ही थे मुलायम, लेकिन शव के साथ मुलायम जब लखनऊ लौटे हैं तो खुद अखिलेश यादव उन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचे हैं। और बीती शाम ही साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर लखनऊ आया है और आज उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में ही किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे का समय बताया गया था कि पिपरा घाट पे अंतिम संस्कार होगा और कुछ ही देर में अब अंतिम विदाई के लिए रवाना होगा साधना गुप्ता का पार्थिव शव। पिपरा घाट के लिए सब रवाना होंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं शुभ चिंतकों का तांता लगा हुआ है। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है मुलायम सिंह के आवास पर। और जिस वाहन से साधना गुप्ता का शव जाना है वो भी तैयार है। तस्वीरों में देखा जा सकता है सपा के कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ जमा है मुलायम सिंह के आवास के बाहर। साथ ही साथ बीजेपी के भी कई बड़े चेहरों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह को सांत्वना दी है और ट्वीट कर भी केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी के बड़े चेहरों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस वक्त मुलायम सिंह के लिए जिस तरह से दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरा सपा परिवार मुलायम सिंह के साथ खड़ा हुआ है। बीती शाम भी जब वो अपने आवास लौटे तो लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके आवास के बाहर मौजूद थे, जहां हाथ हिलाकर उन्होंने सभी लोगों से रूबरू हुए, अपना दुख बांटा। साधना गुप्ता के निधन पर कई लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करी हैं, परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करी है। अगर बात कही जाए बहू अपर्णा की तो उन्होंने भी ट्वीट कर इस बारे में अपना दुख व्यक्त किया था। उन्होंने कहा, निशब्द हूं, दुख की घड़ी है, और ट्वीट कर अपने दर्द को बयां किया था। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर, 1 बजे का समय बताया गया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन अभी कुछ वक्त लग रहा है, क्या लगता है कितनी देर में जो अंतिम यात्रा है उसके लिए पार्थिव शरीर निकलेगा?
रखा गया था एक बजे के तकरीबन, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि इस समय शव यात्रा निकल चुकी है, निकल रही है। मुलायम सिंह के घर के आवास के बाहर मैं खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी है, सिक्योरिटी भी है और साथ मीडिया भी है, क्योंकि शव बाहर लाया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडिया का एक हुजूम भी है, और किस तरह से आप देख सकते हैं मुलायम सिंह के परिवार के लिए दुख की घड़ी है जो कि होनी नहीं चाहिए। एक तरफ मुलायम सिंह की तबीयत भी काफी खराब है। अब शव यात्रा का जो समय है वो तकरीबन आपको बता दूं कि एक बजे रखा गया था, अब जो है शव यात्रा यहाँ से निकल रही है। जी सागर, अगर बात करी जाए बीजेपी की, तो क्या वहां से भी कोई नेता इस दुख की घड़ी में मुलायम सिंह के साथ मौजूद है? क्योंकि मुलायम सिंह का जो राजनीतिक सफर रहा है वो काफी अलग रहा है लोगों से, क्योंकि पक्ष विपक्ष सभी उनके साथ रहा और उनकी सुख दुख की घड़ी में भी कहीं ना कहीं सभी उनके साथ रहे, तो इस दुख की घड़ी में कौन कौन मौजूद है भाजपा से? दिनेश शर्मा भी यहाँ पहुंचे थे, और तमाम बड़े विपक्षी दल के नेता और तमाम जो उनके सहपाठी रहे हैं, जो उनके राजनीतिक करियर में उनके साथ थे, वो भी यहाँ पहुंचे थे, उनकी दुख में श्रद्धांजलि देने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर यात्रा चलना शुरू हुई है, तो यहाँ पर कई बड़े नेता जो है, एक पिथरा घाट यहाँ पर स्थित है, वहाँ पर यहीं से कुछ दूरी पर है, वहाँ पर कुछ बड़े नेता भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शव यात्रा पर निकाला जा रहा है, और एक अंतिम यात्रा कह सकते हैं साधना गुप्ता की, क्योंकि उसके दुख की घड़ी है मुलायम सिंह परिवार के लिए, अखिलेश यादव के लिए, तमाम ऐसे लोगों के लिए जो साधना गुप्ता को अपना आइडल मानते थे, जो साधना गुप्ता के साथ रहते थे, जो साधना गुप्ता उनके लिए सब कुछ थी। जी अगर परिवार की बात करी जाए सागर, तो परिवार के कौन कौन से सदस्य अभी तक पहुंच चुके हैं, मौजूद है बीती शाम से ही मुलायम के साथ? जी जी, आपको बता दूं कि अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं, साथ ही आपको बता दूं कि मुलायम सिंह भी मौजूद हैं, शिवपाल यादव भी हैं, तमाम लोग भी हैं, तमाम जो यादव परिवार है वो सब यहाँ पे मौजूद है। और आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर दिखाएं थोड़ा सा जूम करके, कि किस तरह से शव यात्रा का अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अंतिम यात्रा मुलायम सिंह परिवार के लिए, यादव परिवार के लिए काफी दुख की यात्रा है, दुख की घड़ी की यात्रा है, और ये इस परिकल्पना से काफी दूर होती है यात्रा, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसी घटनाएं भी होंगी, लेकिन क्या करें। जी सागर, इस दुख की घड़ी में पूरा सपा परिवार सपा संस्थापक के साथ है, किस तरह से देखते हैं जो भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कहना है, किस तरह से सभी अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं मुलायम सिंह के लिए? जी आपको बता दूं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और सपा के नेता हैं, और मीडिया का भी हुजूम है, और कहीं ना कहीं वो एक अपने मुलायम सिंह के परिवार को संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए साधना गुप्ता भी बहुत अहम हुआ करती थी यादव परिवार के लिए, और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये काफी दुख की घड़ी है। यहाँ पर काफी लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर कल शाम से मौजूद है, जब से उन्हें खबर लगी है कि साधना गुप्ता इस दुनिया में नहीं रही, तब से वो यहाँ पर मौजूद है। शव की अंतिम यात्रा की शुरुआत लगभग होने ही वाली है, और यहाँ पर शव को लाया जा चुका है। कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही दुखद घटना है मुलायम सिंह परिवार के लिए। जी सागर, साधना गुप्ता ने एक लंबा समय व्यतीत किया है मुलायम सिंह के साथ, क्योंकि जब मुलायम सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी वो गम में लीन थे, उस वक्त उन्होंने संभाला है मुलायम सिंह यादव को, उनके परिवार को, तो इससे जुड़ी भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा समय व्यतीत किया है दोनों ने साथ में, आसान नहीं है ये घड़ी भी मुलायम सिंह के लिए। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह एक काफी जमीनी नेता हुआ करते थे अपने समय के, और आज भी थे, और साधना गुप्ता ने उनका बहुत ही साथ दिया है, क्योंकि साधना गुप्ता कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी दूसरी पत्नी थी, उसके बाद उनके आने के बाद प्रतीक यादव का जन्म हुआ, और मुलायम सिंह यादव के साथ साधना गुप्ता का बेहद ही काफी लगाव था और बेहद ही काफी जुड़ाव था, क्योंकि वो भी एक जमीनी नेता थी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो साधना गुप्ता जाने के बाद से मुलायम सिंह काफी आहत में लग सकते हैं, और जहां तक मेरा मानना यह है कि वो भी काफी आहत होगा। जी बिल्कुल, और ये दुख की घड़ी है सपा परिवार के लिए, साथ ही साथ मुलायम परिवार के लिए, और इस दुख की घड़ी में सभी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भाव को प्रकट कर रहे हैं। और इस बीच दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है, उन्होंने भी परिवार को इस दुख से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करी है, क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए।
आदरणीय साधना जी, माननीय नेताजी के साथ उनका एक लंबा दौर, सुखमय दौर बीता है और मैं महापौर था उस दौरान भी उनका स्नेह मुझे मिला। छोटे छोटे कामों के लिए, गरीबों के लिए भी कि अतिक्रम हटे तो उनको कहीं दूसरे जगह स्थान दे दीजिएगा, आज यहाँ की सफाई हो जाए, आज वहाँ पर सड़क बन जाए, छोटे छोटे कामों को भी वो बड़ी गंभीरता से लेकर बोलती थी। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि पूरी सभी के को अवगत है और मैं यही कहूँगा कि आदरणीय जी को शक्ति प्रदान करे ईश्वर और जो दिवंगत आत्मा है उनको सदगति प्रदान करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए कैबिनेट मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आप देख रहे थे। हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़े हुए हैं। सागर, जिस तरह से ये दुख का माहौल है पूरी सपा के लिए और यहाँ पे हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, तो जिस तरह से कार्यकर्ता रही हैं साधना गुप्ता, लेकिन जब उन्होंने परिवार को संभाला तो राजनीति से दूरी बना ली, लाइमलाइट से वो दूर रही, राजनीति में दोबारा कदम नहीं रखा, सिर्फ परिवार को संभाला, इस योगदान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि अभी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं कि साधना गुप्ता की अंतिम यात्रा निकल सकती है। अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता का हुजूम है, सिक्योरिटी है, मीडिया है, तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी दुखद हैं। आप आगे जाइए। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से साधना गुप्ता का एक बीमारी, फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से निधन हुआ और अब उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। अब वो अपने अंतिम यात्रा के लिए जाएंगी और सभी का प्रेम इसने उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन भर उन्हें सपा परिवार से काफी प्रेम मिला है और साथ ही साथ जिस तरह से सपा के कार्यकर्ता, नेता सभी मौजूद है, क्योंकि एक अलग ही पहचान है सपा की उत्तर प्रदेश में, पूरे ही देश में। और ये जो दुख की घड़ी है, सपा संरक्षक मुलायम सिंह के साथ सभी खड़े हैं, लेकिन मुलायम सिंह के लिए काफी दुख का पल है और उनकी पत्नी आज उनसे दूर जा रही है, अंतिम विदाई के लिए जा रही है। पूरा सपा परिवार, मुलायम परिवार यहाँ पे मौजूद है और अब ये अंतिम यात्रा पिपरा घाट पे जाके समाप्त होगी। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। सभी की आंखें नम नजर आ रही हैं इस दुख भरी घड़ी में और साधना गुप्ता की अंतिम विदाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साधना गुप्ता की अंतिम विदाई की। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह सिर्फ 20 साल छोटी, लेकिन अचानक बीमारी की वजह से हार गई, अपने जीवन की इस जंग को हार गई साधना गुप्ता और अब उनकी अंतिम विदाई हम देख रहे हैं। काफी दिनों से सपा संस्थापक मुलायम सिंह की तबीयत भी खराब है और उनके लिए ये काफी दुख भरा पल है। हालांकि उनको संभालने के लिए उनका पूरा परिवार है, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और तमाम सपा के नेता कार्यकर्ता सभी मुलायम सिंह के साथ मौजूद हैं। लेकिन जो कमी साधना गुप्ता उन्हें दे गई हैं, शायद ही उसे कोई भर पाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, मुलायम सिंह के आवास पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहां से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त साधना गुप्ता की अंतिम विदाई। जो इस संसार में आया है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन कभी कभी इंसान इस चीज को समझ नहीं पाता है कि कैसे कोई हमें इतनी जल्दी छोड़ गया। और ये वही पल है जब मुलायम सिंह यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी जल्दी कैसे
साधना ने उनका साथ छोड़ दिया। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 1 बजे का समय बताया गया था कि साधना गुप्ता के जो अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। और तैयारियों आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी क्यों ना हो अपने परिवार के सदस्य को यूं ही नहीं जाने देता है। इंसान यही चाहता है कि वो कुछ समय साथ रहे, भले ही पार्थिव शरीर क्यों ना रहे, आंखों के सामने रहे। तो दूर जाता इंसान नहीं देख सकता है अपनों को, और यही वो पल है मुलायम परिवार के लिए भी। तो सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, साधना गुप्ता की अंतिम विदाई की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर थापा जुड़े हुए हैं। सागर, एक अहम योगदान दिया है साधना गुप्ता ने कार्यकर्ता के रूप में सपा में, लेकिन उन्होंने घर संभाला तो राजनीति से, लाइमलाइट से दूर हो गई। एक महिला के लिए सबसे अहम यही होता है कि वो अपने परिवार को संभाले, संजोए, और उन्होंने भी अपने दायित्व को बखूबी निभाया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, साधना गुप्ता की बात किया जाए तो इनका एक यादव परिवार में एक अहम रोल था, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के साथ ही होने के साथ अखिलेश यादव को भी कई बार वो समझाती थी, उनके साथ होती थी। अखिलेश यादव को भी उनका अच्छा एक तालमेल था। ये देखिए, एक बार आपको दिखा दूं कि पद यात्रा की निकलने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर सैकड़ों की, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, और लग रहा है आपको कि एक सब यात्रा साधना गुप्ता के लिए अंतिम यात्रा तो रही, साथ ही एक सपा परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए एक दुख की घटना है, जिससे लोग सुनना तो नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपको मुलायम सिंह परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना की आज चीजें हमें देखनी पड़ी है। सब यात्रा के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भावुक हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। अरे भैया भैया भाई राम राम से है, धक्का ना तो आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर को एक सब वाहन में लाया जा रहा है, पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, अंतिम विदाई दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, लोग पीछे लगे हैं उनके सब यात्रा में, अंतिम यात्रा शामिल हो चुके हैं जी। तो अंतिम विदाई हो रही है इस वक्त साधना गुप्ता की, अंतिम यात्रा के लिए उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है। सागर, अगर पूरे रूट की बात करी जाए तो वहाँ पे भी सपा कार्यकर्ता मौजूद होंगे कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन के लिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस तरह से अंतिम विदाई हो रही है साधना गुप्ता की, अंतिम यात्रा पर निकल चुका है साधना गुप्ता का शव, और सभी नम आंखों से साधना गुप्ता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और अगर बात करी जाए सपा कार्यकर्ताओं की, क्योंकि सपा कार्यकर्ता काफी इज्जत करते थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के काफी करीब थी, उनकी पत्नी थी, और उन्होंने सपा कार्यकर्ता के रूप में भी एक अहम भूमिका निभाई थी सपा में। तो सभी कार्यकर्ताओं का काफी जुड़ाव भी था, सभी नेताओं का काफी जुड़ाव भी था साधना गुप्ता से। और जब आज अंतिम विदाई के लिए निकला है उनका शव, पार्थिव शरीर जब जा रहा है अपनी अंतिम यात्रा पर, तो सभी नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं, उनके दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं की और सपा नेताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कई बीजेपी नेता भी पहुंचे हैं मुलायम सिंह के इस दुख भरी घड़ी में, क्योंकि मुलायम सिंह का जो एक व्यवहार रहा है एक राजनेता के रूप में, एक जो उनकी छवि रही है वो काफी साफ रही है। उन्होंने अच्छे निर्णय लिए जिसका पक्ष विपक्ष सभी बहुत सम्मान करते रहे हैं, और इसी सम्मान के चलते आज दुख भरी घड़ी में सब उनके साथ खड़े रहे हैं। वो चाहे भाजपा से देखा जाए, अन्य दलों से देखा जाए, सभी दल आज उनके साथ इस दुख भरी घड़ी में मौजूद रहे, सभी उनको सांत्वना देने उनके आवास पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि अभी तक लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंतिम विदाई हो रही है और सभी साथ साथ चल रहे हैं साधना गुप्ता के।
तो साधना गुप्ता अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुकी हैं। उनका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है उनकी अंतिम यात्रा के लिए। मुलायम सिंह यादव के आवास से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साधना गुप्ता का शव जा रहा है अपनी अंतिम यात्रा पे। और ये शव मुलायम सिंह के आवास से निकल चुका है, पार्थिव शरीर की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये गोमती नगर के पिपरा घाट तक जाएगी जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा साधना गुप्ता का। और इस खबर पे हमारे संवाददाता थापा सागर थापा जुड़े हुए हैं। और सागर, जिस तरह से अंतिम विदाई शुरू हो चुकी है, अंतिम यात्रा पे निकल चुका है साधना गुप्ता का पार्थिव शव, बेटे और बहू की बात करी जाए, उनके लिए ये सबसे दर्द भरा समय है, किस तरह से देखते हैं, क्या वो भी साथ साथ चल रहे हैं? तस्वीरें चाहेंगे, दिखाएं आप हमें। देखिए, शिवपाल से लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का काफिला यहाँ से जस्ट अभी गुजरा है। हमने थोड़ी देर पहले आपको प्रसन्न यादव को दिखाया था जो की सब वाहन के ठीक पीछे जा रहे थे और यहाँ पर मुलायम सिंह के आवास के बाहर अभी भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। एक तरफ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर पैन करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काफिला गुजर रहा है। अखिलेश यादव समेत शिवपाल यादव हो गए, प्रोफेसर राम गोपाल हो गए, तमाम लोग यहाँ पर शिरकत करने पहुंचे हैं। शिवपाल यादव हो गए अपनी भाभी को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए भी काफी दुख की घड़ी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के साथ यहाँ पर लोग ऐसे पहुंचे हैं कि जो मुलायम सिंह के काफी करीबी थे और शुरुआत से काफी करीबी रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाएंगे जो पिपरा घाट की है जहाँ पर शव वाहन का दाह संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से एक दुख की घड़ी है यादव परिवार के लिए और ये शायद ही दुख की घड़ी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि दुख की घड़ी यादव परिवार के लिए आए। काफिला लगातार गुजरता जा रहा है, तमाम बड़े नेताओं का शिरकत यहाँ पर करना मौजूद है और शिवपाल यादव समेत तमाम ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे जी। जी सागर, अगर बात करी जाए पूरे रूट की तो क्या वहां पे भी कार्यकर्ता अंतिम दर्शन के लिए मौजूद नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि मुलायम सिंह की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही जमीनी नेता थे। अगर बात की जाए तो साधना गुप्ता की तो ये भी काफी सालों से, काफी विगत कई वर्षों से सपा से जुड़ी हुई थी। और दूसरी बात ये कि ये भी जमीनी नेता के तौर पर गिनी जाती थी, चुनी जाती थी, इन्हें भी माना जाता था। तो अब मैं मान के चला हूँ कि आपको बता दूं कि यहाँ पर भी रास्ते में भी अपर्णा और साधना के रिश्ते की बात करी जाए, सास बहू का रिश्ता था लेकिन माना जाता है दोनों काफी करीबी थी, किस तरह से देखते हैं इनके रिश्ते को? क्योंकि अपर्णा के लिए भी ये समय आसान नहीं, उन्होंने कल ट्वीट करके अपना दुख जरूर जाहिर किया लेकिन वो शब्द कम थे, दुख बहुत ज्यादा था। ये आपको बता दूं कि अपर्णा का और साधना गुप्ता का काफी बेहद करीबी रिश्ता माना जाता रहा है शुरुआत से ही, क्योंकि एक तरफ आप प्रतीक की बात करें, दूसरी तरफ अपर्णा की बात करें तो दोनों को ही काफी करीब माना मानती थी वो। आपको बता दूं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव का काफिला यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से मुलायम सिंह घर से बाहर निकले हैं और आप देख सकते हैं, एक बार देखिए किस तरह से अखिलेश यादव का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। वो भी आखिरी श्रद्धांजलि अपनी माँ को देना चाहते हैं, अपनी माँ को अंतिम यात्रा के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का ये काफिला है जो निकल रहा है यहाँ से। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अभी सीधा काफिला जा रहा है ये पिपरा घाट जगह है जहाँ पर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दे। लगातार वीवीआईपी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है, हर कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है नेता को, साधना गुप्ता को हर कोई याद करना चाहता है।
याद करता हूँ, याद कर रहा हूँ सभी से निरंकार अभी भी लगता है जी। सागर, ये बताया जा रहा था कि अखिलेश इस खबर को सुनते ही सबसे पहले मुलायम सिंह के पास पहुंचे, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने पहुंचे, और डिंपल भी मुलायम के आवास पहुंच गई थी। अगर बच्चों की बात करी जाए तो क्या वो भी पहुंचे थे इस दुख भरी घड़ी में? जी, बात करें अखिलेश यादव की तो भले ही कैसे ही संबंध रहे हो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह, लेकिन वो तो हर घर में एक संभवता एक मान सकते हैं हर चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें साधना गुप्ता की, जब से उनको खबर लगी तो सबसे पहले अखिलेश यादव वहां पहुंचे, उसके बाद उन्होंने सारा मुलायम सिंह को मुलायम सिंह के पास पहुंचे, उनके दुख बांटे, संवेदना व्यक्त की। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दूँ कि अखिलेश यादव के संबंध काफी करीबी थे साधना गुप्ता जी से, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जो एक जिंदगी की दुनिया की सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आता है वो साधना गुप्ता इस दुनिया में नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं यादव परिवार के लिए दुख की घड़ी है और एक बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी है कि इसे कोई, अगर बात करूं तो इसे कोई कल्पना इसे नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, डिंपल यादव की बात करी जाए तो क्या वो भी मौजूद रही इस दुख की घड़ी में, और क्या अखिलेश के साथ साथ वो भी पिपरा घाट गई हैं? हाँ जी, अगर बात करूँ डिंपल यादव की तो कहीं ना कहीं वो भी अखिलेश यादव के साथ थी और वो भी एक श्रद्धांजलि देने में शिरकत हुई है, उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान था यादव परिवार में, और शुरुआत से ही वो साधना गुप्ता के काफी करीबी रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि साधना गुप्ता का व्यवहार ऐसा था कि वो काफी विलन था, जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट देते रहिए। हालांकि ये बहुत दुख भरी घड़ी है, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सभी पार्थिव शरीर के साथ उनकी अंतिम यात्रा पे साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से सपा कार्यकर्ता नेता इस वक्त मुलायम सिंह के आवास के बाहर मौजूद थे, और तस्वीरें ये बयां कर रही है कि जो लोगों में दुख है उनकी आंखों में झलक रहा है। काफी अहम योगदान रहा है साधना गुप्ता का मुलायम परिवार में, सपा परिवार में, और साधना गुप्ता अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।